अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1955 अधिसूचना के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को वर्ष 2017-18 में दी गई आर्थिक सहायता एवं उनके पुनर्वास के संबंध में चर्चा की गई तथा विधवा पेंशन वितरण के संबंध में भी चर्चा की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने विधवा पेंशन को तत्काल बहाल किए जाने तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। बैठक में समिति के सदस्य और विधायक संत प्रसाद लाल चंद जाटो, सीओ कैंट प्रभात राय सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विधायक संत प्रसाद और जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कहा, इसमें सब 5 लाख रुपया मिलेगा। हत्या के मामले में सर ये है कि यार हॉस्टेल कितना सोच रहा है, क्यों नहीं हो पाता, सुलह के बाद यार उसको तो सीआरपीसी का दायरा है, उसके अंदर सजा भी दिलाते हैं उन लोग। अब पैसा का क्या होगा? हत्या के मामले में सर 8,25,000 रुपए का प्रावधान है। पहले ये व्यवस्था थी कि 75% और 25%, अब अमेंड करके सर ये कर दिया कि पोस्टमार्टम पर 50% और रेस्ट 50% अब इलेक्शन में जब वो हो जाएगा और कर दिया जाएगा। 25% था, इसको 50%। इसी तरीके से सर पहले व्यवस्था ये थी कि 25% न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित करेंगे और 75% न्यायालय से दोष सिद्ध होने का मिलता था। ये आरोप पत्र जब प्रेषित किया जाएगा तब मिलेगा और 25% जब अभियुक्त घोषित हो जाएगा दोषी सिद्ध हो जाएगा तब मिलेगा। तो ये सवाल मिलेगा, सामान्यतः यही सब जो कह रहे थे पक्ष लोग हो जाता है, समझौता लोग कर लेते हैं बाद में जाकर, तो वो मैक्सिमम सब समझौता है, इसलिए इसको कर दिया कि 25% की अमाउंट जो है वो बाद में मिलेगा अगर दोषी सिद्ध होता है। मुद्दों पर चर्चा हुई है विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और जो दलित उत्पीड़न होता है। हमने डीएम साहब से स्पष्ट शब्दों में कहा और कि किसी भी सवर्ण के ऊपर अनावश्यक दलित उत्पीड़न नहीं लगना चाहिए। अगर वो वास्तव में है दलित उत्पीड़न का, ये जिसका दलित उत्पीड़न कर रहा है तो उसके ऊपर उसका दंड लगना चाहिए, वो मुलजिम बनाया जाए, लेकिन नहीं है तो उसका कतई नहीं होना चाहिए। फर्जी पैसे के दोहन के लिए ये दलित उत्पीड़न नहीं लगना चाहिए। विधवा पेंशन ले हमने कहा, उन्होंने अभी वीडियो सारे वीडियो को बुलाए हैं, हमने कहा वीडियो सब गलती करें, ऑनलाइन होने के बाद भी सालों साल पड़ा रहता है, तो वीडियो को बुलाए हैं, ये वीडियो स्तर से ही सारी कमी रहती है, वहाँ उनके बाबू उस फाइल को रोके रहते हैं। हमने कहा तत्काल बोल करके 15 दिन के अंदर निस्तारित होना चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक, अभी बुलाए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न समिति है, बचाव समिति है, उसी का एक मीटिंग हुआ है। करीब 375 लोग का इस साल हम लोग मुआवजा दिए, जो SC ST अधिनियम के अंदर जो उत्पीड़न का मुकदमा लिखा गया है, जो विक्टिम के रूप से कितने लोग उसका है। उसके अलावा जो उन लोगों का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और अन्य पेंशन को भी समीक्षा हुआ है। अभी तो थोड़ी देर में तो BDO लोग को भी बुला रखा है, ताकि कहाँ कहाँ जगह पर इन लोग एप्लीकेशन पेंडिंग है उसको भी हम लोग स्क्रूटनी करके उन लोग का जल्दी पहुँचा देंगे। अभी पेंशन कितने तरह का पेंशन है उसका पैसा अभी लाभार्थी का आने लगा, अभी किसी वजह किसी का रुका हुआ है, उनको भी हम रास्ता क्लियर करके उन लोग का पहुँचा देते हैं पेंशन।